इतनी बेजस्र होगा भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला। इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे जसप्रीत बुमराह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबले में 2 रनों से रोमांचक जीत के बाद अब टीम इंडिया दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भी पूरी तरह से तैयार है, जहाँ पर दूसरे टी20 मुकाबले के लिए कप्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार दूसरा टी20 मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा और इस मुकाबले के लिए क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तमाम जानकारी इस मुकाबले की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की थी। सभी गेंदबाजों ने लगभग बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, जिसके चलते भारतीय टीम ने आयरलैंड की टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने में कामयाब हुई। हालांकि दोस्तों, फिर भी शुरुआती विकेट चटकाने के बावजूद भी आयरलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया था। तो एक बार फिर यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों को सोचना होगा कि आखिरकार टीम इंडिया ने टॉप ऑर्डर की पूरी आधी टीम को मात्र 31 रनों पर पवेलियन भेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी 139 रनों तक आयरलैंड की टीम पहुंच गई। तो भारतीय टीम के गेंदबाजों को इससे और बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा, क्योंकि अगर ऊपर के बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो फिर भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किलें होगी। हालांकि टीम इंडिया की तरफ से बुमराह, बिश्नोई और प्रसिद्ध ने 2-2 सफलताएँ प्राप्त की, तो इनसे तो यहाँ पर एक बार फिर इसी प्रकार के परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम की बात करें तो बल्लेबाजी में इस टीम की तरफ से बाल बर्नी, स्टर्लिंग, टक्कर, हैरी टेक्टर के साथ साथ डॉकरेल जैसे बल्लेबाज भी बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए, जिसके चलते इस टीम ने एक समय तक अपने 5 विकेट मात्र 31 रनों पर गंवा दिए थे। लेकिन इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करने वाले क्रिस्टस कैंपर और उनके साथ मैकेट्टी की शानदार पारियों की बदौलत यहां पर पहुंची। लेकिन एक बार फिर यहां पर देखा जाए तो आयरलैंड की टीम बगैर किसी बदलाव के साथ ही मैदान पर उतरेगी, लेकिन इस टीम के ऊपर के बल्लेबाजों को बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से फ्लॉप होते हुए नजर आए थे। वो तो चैंपर और मैकेट्टी की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते यहाँ तक ये टीम पहुँच पाई थी, नहीं तो और भी ज़्यादा मुश्किलों में फंस सकती थी आयरलैंड की टीम। हालाँकि मुकाबला पूरा होता तो ये टीम इंडिया को टक्कर जरूर देती हुई नजर आती। वहीं पर दोस्तों, भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की हम बात करते हैं, इस मुकाबले में एक बार फिर यशस्वी जायसवाल के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ही टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। पिछले मुकाबले में दोनों बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस तो अच्छा ही था, क्योंकि जायसवाल 24 रन बनाए तो वहीं पर ऋतुराज 19 रन बनाकर नाबाद रहे। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद नंबर 3 पर हमें तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। भले ही पिछले मुकाबले में अपना खाता ना खोल पाए हो, लेकिन इस मुकाबले में तिलक वर्मा शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर संजू सैमसन हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर नंबर 5 पर टीम इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह उतरने वाले हैं। रिंकू भी यहां पर टीम के लिए कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, नंबर 6 पर हमें शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बल्लेबाजी से बेहतरीन परफॉर्मेंस की जा सकती है। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आएंगे। वाशिंगटन सुंदर भी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए बेहतरीन। पिछले मुकाबले में भले ही विकेट ना मिला हो, लेकिन 3 ओवर में इन्होंने मात्र 19 रन ही खर्च किए थे। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 8 पर प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए नजर आएंगे, जिनका पिछले मुकाबले में कमाल का डेब्यू रहा था, तो यहाँ पर भी वो कमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह और नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 11 पर रवि बिश्नोई उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, इस मुकाबले में टीम इंडिया एक बार फिर जीत दर्ज कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।